हम देख रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ टंग, जीभ की संरचना। अब इसमें सबसे पहले ये जीभ की संरचना, रूट ऑफ टंग, जीभ की जड़, ये क्या है, रूट ऑफ टंग। ये साइड में हो गए टॉन्सिल, फिर ये वैलेट पेपिला, ये जो डॉट जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, वैलेट पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला, ये जो इस तरह से दिख रहे हैं फंजीफॉर्म पेपिला, ये फिलीफॉर्म पेपिला, अब यहाँ पर किस भाग से कैसा स्वाद हमको आता है जीभ में, ठीक है, ये भी पूछते हैं कि किस भाग से कैसा स्वाद आता है, टेस्ट जोन। ये पूरा जो भाग है ये क्या कहलाएगा, ये टेस्ट जोन कहलाएगा। ये वाला भाग, ये पूरा भाग क्या कहलाता है, टेस्ट जोन है, ठीक है। अब इसके जो पीछे वाला भाग है, जीभ का जो सबसे आगे वाला भाग है, टोन, जो आगे नुकीला भाग होता है ये वाला, है ना, इससे क्या पता चलेगा, स्वीट, मीठा का स्वाद कहाँ से आता है, जीभ के बिल्कुल आगे नुकीले वाले भाग से, ठीक है। इसके पीछे यहाँ पर ये वाला भाग, ये क्या है, साल्टी, नमकीन। फिर यहाँ जो पीछे दिया हुआ है ये खट्टा, सौर के लिए, ठीक है। और सबसे पीछे की ओर जो होता है ये वाला भाग, ये क्या है, बिटर, कड़वा, ठीक है। तो इसके जो संरचना है, इसमें भी ये क्वेश्चन बनते हैं कि ये वाला स्वाद, कड़वा स्वाद किस भाग से आता है, खट्टा स्वाद कहाँ से आता है, नमकीन स्वाद कहाँ से आता है और मीठा स्वाद कहाँ से आता है। तो इसके लिए आपको ये इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, इनको नोट कर लेना। अब है इसका जो पेपिला के जो टाइप्स हैं, कितने हैं, इसके चार प्रकार हैं, ना, कौन कौन से थे, तंतु रूप यानी धागे की तरह, कवक रूप यानी मशरूम नुमा, परिवृत्त यानी गोलाकार, और फोलिएट यानी पर्निल, ठीक है। सबसे पहला है तंतु रूप यानी फिलीफॉर्म थ्रेड शेप्ड, ये क्या होगा, ये पेपिला पतला लंबा और भी के आकार का शंकु होता है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं और जीभ की पूरी सतह पर फैले हुए होते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा है, फिलीफॉर्म रखा है। अब देखो पूरी जीभ पर क्या पाया जाता है, फिलीफॉर्म पाया जाता है। ये किस शेप का होता है, ये वी शेप्ड का होता है। अब ये इसके डायग्राम में हम देखें तो सबसे आगे वाला भाग जो है ये है ना, ये हमें दिख रहा है, ये वी शेप्ड है ना, और ये पूरी पे होता है इस तरह का फिलीफॉर्म। तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, फिलीफॉर्म है, ये वी शेप्ड का होता है और ये पूरे में इस तरह से फैला हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कवक रूप यानी फंगी फॉर्म, वो कौन सा भाग हो गया, ये वाला हो गया फंजी फॉर्म। दूसरा भाग ये कैसा होता है, ये पेपिला पूरी तंतु रूप पेपिला पर फैला रहता है, कहाँ पाया जाता है, ये पूरी पेपिला पे, है ना। इनकी संख्या जीभ के छोर और किनारों पर अधिक होती है, यह अलग अलग स्वाद को निर्धारित करने में मदद करता है, कौन सा, फंगी फॉर्म जो है, ठीक है। इसके बाद है सर्कमवेलेट या फिर रिंग्ड सर्कल, गोलाकार, इस पेपिला को वैलेट पेपिला के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, और इसको वैलेट पेपिला, ये आकार में बड़ा और गुंबद के आकार के होते हैं, इसकी संख्या 8 से 12 से लगभग होती है, ठीक है। फिर है फोलिएट या पर्निल, फोलिएट जिसको कहते हैं, ये कैसे होते हैं, ये पेपिला पूरे जीभ पर फैला होता है,
और ये परिवृत्त पेपला के किनारों पर सिकुड़ा हुआ होता है। फोलिएट कैसा होता है? ये पूरी जीभ पे फैला होता है और परिवृत्त पेपला के किनारों पर सिकुड़ा हुआ होता है। अब है इसके कार्य या फंक्शन। जीभ में विभिन्न स्वाद कलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी वेरियस टेस्ट बड्स होती हैं। इस प्रकार भोजन के स्वाद की धारणा में मदद मिलती है। ये जो टेस्ट बड होती हैं, ये क्या करती हैं? हमें टेस्ट दिलाने में काम करती हैं। स्वाद कलिकाएं ये जानने में भी मदद करती हैं कि भोजन बहुत अप्रिय यानी हानिकारक है या नहीं। कईयों बार क्या नॉर्मली ये होता है ना कि यदि खाना ख़राब हो गया है तो ये चीज़ भी हमें खाते ही पता चल जाती है। जो हमारी टेस्ट बड होती हैं वो हमें इस चीज़ को बता देती हैं कि भोजन जो है ख़राब हो चुका है और ये अब खाने के लायक नहीं बचा है। यह पाचन क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये मुख के अंदर उपस्थित भोजन के चबाने पीसने के दौरान गतिविधि में मदद करती हैं। ये भोजन को लुगदी बनाने में तथा उसे निगलने में मदद करती हैं। ये बोलने और स्वर निकालने में तथा श्वास नली के आकार को बदलकर कई तरह की आवाज़ बदलकर निकालने में मदद करती हैं। अतः स्वर रज्जु आवाज़ निकालने में सक्षम होता है। तो यहाँ तक ये समझ में आया होगा। इसके बाद है फेरिंग्स और इसका स्ट्रक्चर। तो पहले फेरिंग्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ ये हो गई नेजल कैविटी, है ना? ये हो गया तालू, ऊपर वाला जो भाग होता है ना? ये ओरल कैविटी जहाँ से भोजन अंदर जाता है, ये ब्लैक कलर में दूर लिख रहा है, ठीक। ये बीच में पूरी ये क्या है? जीभ, टंग जिसे कहते हैं। ये हो गया इसका जबड़ा, जॉ, लोअर जो जिस पर टीथ लगे होते हैं, है ना? ये आ गए ये लिप। फिर यहाँ पीछे हम देखें, ये हो गया इसका फेरिंग्स जिसको ग्रसनी कहते हैं। फिर ये एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करता है? जब भोजन हमारे माउथ से, है ना, अंदर आता है यहाँ से, तब ये क्या करता है? ये एपिग्लॉटिस किसका काम करता है? एक ढक्कन की तरह काम करता है। ये क्या करता है? दोनों में से, जैसे यहाँ से हम नेजल से हम सांस ले रहे हैं और यहाँ हमने भोजन ग्रहण किया, है ना? तो जब यदि हम एक ही साथ करेंगे तो क्या होगा कि भोजन जो है हमारी श्वास नली में जा सकता है। उसको रोकने के लिए ये जो एपिग्लॉटिस है ये क्या करता है? ढक्कन की तरह काम करता है, ठीक है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये उसको यहाँ से बंद कर देता है और भोजन जो है आसानी से यहाँ से निकल जाता है। फिर एपिग्लॉटिस के बाद लेरिंग्स ओपनिंग इनटू फेरिंग्स। लेरिंग्स का कहाँ पर खुलना? फेरिंग्स में खुलना। फिर ये इसोफेगस, ये वाला भाग, यहाँ पर ये लेरिंग्स और ये इसोफेगस, ठीक है। अब हम फेरिंग्स के भाग को देखें। ये हो गया नेसोफेरिंग्स, ये वाला भाग। फिर ये
ओसोफेरिंग्स, ये लैरिंगो फेरिंग्स, ठीक है, ये हो गया फेरिंग्स का भाग। अब हम इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।